मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये बीबी की मस्जिद है। यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का काम चल रहा है, यहाँ पे विकास काम चल रहा है, निर्माण काम चल रहा है। यहाँ पे आज जो मीनार है इस बीबी की मस्जिद के, उसके ऊपर बिजली के लिए, बिजली ना गिरे उसको संरक्षित करने के लिए विद्युत तड़ित चालक लगाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे पुराना ऐतिहासिक एक पीतल का या सोने का पान भी है, जिसे यहाँ के लोग सोने का बता रहे हैं। हालांकि उसमें एक पान लगा हुआ है पीतल का, उसको निकाल कर यहाँ पे विद्युत तड़ित चालक लगा रहे थे। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया, इसको लेकर भ्रम पैदा हो गया। यहाँ के जो समाज जन है वो इकट्ठा हो गए, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। वो विरोध करने लगे कि यहाँ पे आखिर आप इस जो पान लगा है ऐतिहासिक, जो मुगलों के जमाने का लगा है, उसको निकाल के आप ले जा रहे हैं। लेकिन उसको इस बात फैलते ही यहाँ पे बड़ी संख्या में काफी लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पे पुलिस पहुंच गई, यहाँ पे गंदे थाना पहुंच गया है, यहाँ पे CSP गौरव पाटिल भी पहुंचे, यहाँ पे समाज के वरिष्ठ लोग भी पहुंचे हैं, यहाँ पे ASI के विपुल मेश्राम भी पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ की पब्लिक को समझाना चाहा कि ये जो हम लगा रहे हैं विद्युत तड़ित चालक, ये स्मारक के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं, ना कि इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो पीला पान बता रहे हैं उसको निकाल दिया गया था, उसको वापिस लगा दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे विरोध के बाद यहाँ का विकास कार्य बंद कर दिया गया है, यहाँ पे जो विकास काम चल रहा था उसको बंद कर दिया है। यहाँ पे CSP गौरव पाटिल ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, यहाँ के समाज जन डॉक्टर तारिक ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, और यहाँ की जो मांग थी, यहाँ की जो समस्या थी वो भी आप सुनिए। हमारे साथ हमारी खबरों में लगातार बने रहिए, हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। यहाँ पर आके पता चला कि ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कुछ काम किया जा रहा था यहाँ पर, और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी, कुछ इक्विपमेंट इनके द्वारा लगाए जा रहे थे, और चूंकि गलत फहमी की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें मैसेज पास आउट हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल जो पाल लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, और जो भी चीज़ें इसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी वो समान है, जो प्रबुद्ध जन है समाज के और SDM वगैरह जो भी है, तो उनके साथ बैठ के पूरी विस्तृत चर्चा करके उसके बाद काम होगा। तो बिजली गिरने से बचाने के लिए यहाँ पे तड़ित चालक लगाया जा रहा है। हाँ, ये तो अभी फिलहाल इन्होंने यही बताया है, चीज़ें क्या है आगे वो पूरा विस्तृत डिटेल निकाल के प्राप्त होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बीबी की मस्जिद जो बुरहानपुर में जामा मस्जिद है उसके भी 50 साल पुरानी मस्जिद है, आर्कियोलॉजी के महत्व की मस्जिद है। इसको वो एक इक्विपमेंट लगा रहे थे जो बिजली गिरने से रोकने के लिए, तो मॉन्यूमेंट को हिफाजत करने के लिए कोई आज के नए दौर की कोई नई इक्विपमेंट वो टॉप पे लगना है और उसकी अर्थिंग जमीन में गाड़ना है, क्योंकि एरिया के लोगों को इसका संवाद नहीं होने की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो वो जो मीनार के ऊपर जो पान लगा हुआ है उसको उतार के उसमें फिट करने की वो कोशिश कर रहे थे, उसमें मोहल्ले के लोगों को ये ऑब्जेक्शन हुआ कि आप ये लेके चले जाओगे, तो मेरे को मेश्राम साहब ने खुद ने ही फोन किया कि आप आ जाओ, यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैंने एक शांति का संदेश देने के उद्देश्य से सब लोगों को मैंने ये बोला है कि भाई ये मैं बैठ के बात करूंगा, लेकिन उसके बीच में हमारे पाटिल साहब जो CSP हैं बुरहानपुर, इन्होंने तुरंत यहाँ पहुंचकर मौके पर पूरा समझकर हाथ के हाथ जो एक डिसीजन हुआ है कि वो इक्विपमेंट भी लग जाए और वो जो पान है वो अपनी जगह स्थापित रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने मन से नहीं जाएगा कि किसी को हर्ट हो, लेकिन ये काम के बीच में CSP साहब ने निर्देश दे दिया है कि अब वो जो कोई भी यहाँ काम होगा वो उनके और SDM साहब के सानिध्य में, उनको नॉलेज में लेकर हमारे ASI मेश्राम जी काम आगे का कोई काम करेंगे। अभी फिलहाल वो जो बैरिकेड और वो जो ऊपर पहुँचने का जो बनाया गया था वो पालक खोल रहे हैं, और ऐसी कोई अपनी दोनों तरफ से मैं अपील करता हूँ कि कोई बात ना हो, कि एक दूसरे को हर्ट हो। मैं पुनः मतलब बुरहानपुर वासियों से इस गंगा जमनी तहजीब के शहर बुरहानपुर की शान और आन जो शांति का शहर है उसे बरकरार रखे। खुदा बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।